नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था मेंटेनेंस से रिलेटेड, जिसमें यह कहा गया था कि अगर पति विलासितापूर्ण जिंदगी यानी लग्जरी लाइफ जी रहा तो पत्नी को बेसहारा क्यों छोड़ा जाए, जिसमें कर्नाटका हाईकोर्ट के विद्वान जस्टिस ने कहा था। तो उस टॉपिक पर कई सारे लोगों का प्यार आया, बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों का मिला, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब उस पर कई लोगों ने मुझसे ये कहा था कि इस पर एक लॉन्ग वीडियो बनाकर आप क्या नाम है, इस पर लॉन्ग वीडियो बनाइए और इस टॉपिक को थोड़ा अच्छा डिटेल में समझाइए। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को डिटेल में समझाया जाए, इसलिए मैं इस पर एक लॉन्ग वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाऊंगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, बट हाँ, अगर मेंटेनेंस से रिलेटेड अगर आपका सवाल है तो उस वीडियो में आपको उन सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो कपल होते हैं 2001 में इनकी शादी होती है, और जब शादी होती है 2001 में और तकरीबन काफ़ी समय बाद, इनका 15-20 साल बाद, 21 साल बाद, इनमें क्या होता है, जो इनके बीच में रिलेशन होता है कमज़ोर पड़ने लगता है, और लास्ट फाइनली ये जो वाइफ होती है वो ट्रायल कर्नाटका के ट्रायल कोर्ट में एक याचिका डालते हैं, यानी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेक्शन 24 के तहत मेंटेनेंस की मांग करती है, जिसमें 2 लाख रुपए की मेंटेनेंस की मांग करती है, और कहती है कि मेरा 20 साल का लड़का है, उसके पढ़ाई का, उसके भरण पोषण का और साथ में मेरा भी भरण पोषण का खर्चा मांगती है। लेकिन जो ट्रायल कोर्ट होती है 2 लाख को न फाइनल करते हुए 75,000 रुपया का अप्रूवल देती है, का निर्देश दिया जाता है माननीय ट्रायल कोर्ट द्वारा कि इनको 75,000 रुपया प्रतिमाह के हिसाब से मेंटेनेंस दिया जाए। लेकिन जो वाइफ होती है वो वहीं पे नहीं रुकती है, इस मामले को कर्नाटका हाई कोर्ट में लेके जाया जाता है, और कर्नाटका हाई कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो कर्नाटका हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस एम नागप्रसन्ना की पीठ के द्वारा सुनवाई किया जा रहा होता है। तो उसमें देखा जाता है कि जो पति है तकरीबन कम से कम 10 गाड़ियों की उसके पास पूरी होड़ लगी हुई है, गाड़ी घोड़े सारी चीज़ें, बंगले, 5-5 फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ है उसके पास में, और वो कह रहा है कि 75,000 बहुत ज़्यादा है, मैं इतना नहीं दे पाऊँगा। इन सभी दलीलों को देखने के बाद कर्नाटका हाईकोर्ट के विद्वान जस्टिस का कहना होता है कि अगर पति लग्जरी लाइफ अगर जी रहा है तो पत्नी को बेसहारा क्यों छोड़ा जाए, और यही कहते हुए 1.5 लाख रुपया प्रतिमाह देने की बात कही जाती है माननीय कर्नाटका हाईकोर्ट द्वारा। और ये भी कहा जाता है कि जो पति होता है उसके द्वारा कहा जाता है कि देखिए 1.5 लाख रुपया बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि 75,000 रुपया प्रतिमाह भी बहुत ज़्यादा है, मेरे ऊपर लोन है, लोन का बोझ है, तकरीबन 10 लाख रुपया मेरी मंथली खर्चे हैं कंपनी के और सारी चीज़ों को लेकर। जिस पर हाईकोर्ट का कहना होता है कि देखिए ऐसा है, आपकी 5-5 कंपनियाँ हैं, आपने लोन उठा रखा है और आप बिल्कुल लग्जरी, हाँ कोई बात नहीं, लोन उठा रखा है बिजनेस के लिए, आप लग्जरी लाइफ जी रहे हैं तो पत्नी को हम बेसहारा नहीं छोड़ सकते, और जिसमें 1.5 लाख रुपया प्रति माह के हिसाब से मुआवजा भत्ते का जो निर्देश होता है वो दिया जाता है, आंतरिक रूप से दिया जाता है और उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है केस को। तो दोस्तों, हर बार हम केस लेकर आपके पास आते हैं, आप लोग को बताते हैं मेंटेनेंस के बारे में, अलग अलग जजमेंट अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के अलग, हाई कोर्ट के अलग देते हैं। अब आप लोगों की एक कन्फ्यूजन होती होगी कि एक्चुअल में मेंटेनेंस जो होती है वो कितनी होनी चाहिए या कितनी होती है, कैसे डिसाइड होता है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए जो मेंटेनेंस होता है, अगर वाइफ शादी के समय या जब उस वो अपने पति के साथ खुश खुश रह रही है, उस समय जो उसकी स्टेटस होती है या पति की जो इनकम होती है, जो उसकी स्टेटस होती है, इसमें कानून का भी जो प्रावधान होता है उसको भी देखा जाए तो वही लाइफ देने की बात कही जाती है, ना कि उससे कम, वही वाली लाइफ अलग रहने के बाद जब मेंटेनेंस की बात आती है तो देने की कोशिश की जाती है कि वही उसको मिले। दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, क्या आपका भी कोई मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई सवाल है या कोई और कानून से रिलेटेड कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे, और ऐसे समझ में नहीं आएगा तो वीडियो बनाकर समझाया जाएगा आपको। मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही लीगल अपडेट लेकर, और तब तक के लिए जय हिंद।